मुरादाबाद पुलिस ने 14 दिन पहले हुए मुस्तकीम की हत्या का आज आखिरकार खुलासा कर दिया है। पुलिस ने दो आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दिनांक 21 मई को थाना काट क्षेत्र में सहसपुर बॉर्डर पर एक अज्ञात युवक की लाश रोड के किनारे मिली थी। बाद में उसकी शिनाख्त मुस्तकीम निवासी फरीदपुर थाना मैनाठेर के रूप में हुई। परिवारीजनों से जानकारी पर यह तथ्य प्रकाश में आया कि उसके पास एक गाड़ी थी जो गायब है। पुलिस ने इस घटना की गहराई से छानबीन करी। इस घटना में मृतक का दोस्त नईम इस घटना का सूत्रधार निकला और उसने दो अन्य साथियों के साथ मिलकर इस हत्या की घटना को अंजाम दिया था। हत्या की घटना को अंजाम देने के उपरांत इन्होंने गाड़ी जहां पर छिपाई हुई थी उस छिपाने वाले व्यक्ति को भी पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। वाहन को बरामद कर लिया गया है। आगे की कार्यवाही जारी है। क्या वजह थी? इस घटना के दो कारण थे। पहला कि इसमें नईम के साथ जो अन्य दो अभियुक्त थे, नई गाड़ी मृतक के पास थी, उसको बेचकर लगभग 5-6 लाख रुपए उनको मिल जाना था। यह तो रहा कारण नंबर एक। कारण नंबर दो जो प्रकाश में आया उसके मुताबिक जो इसमें अभियुक्त इस्लाम नाम का व्यक्ति है वो अविवाहित है और उसका नईम से दोस्ती है जो इसका मेन अभियुक्त है, और नईम के घर के पास ही मृतक की दूसरी पत्नी का मायका है और इस्लाम की निगाह इस बिंदु पर थी कि मृतक की हत्या करने के उपरांत शादी का वह प्रयास भी उसकी पत्नी से करता, ऐसा उनका इरादा उन्होंने बताया पूछताछ। तो कितने लोग हैं, इनका आपराधिक रिकॉर्ड क्या है? इनका आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। ये कुल 3 लोग हैं और ये इसमें नईम मृतक का दोस्त है जो मृतक की दूसरी पत्नी का पड़ोसी है।